तो गाइस आज हमारा टूर का चौथा दिन है और नुब्रा समर कैंप से जैसे ही निकले ये भेड़ों का झुंड मिल गया। यहाँ पर देखो ये भेड़े जा रही हैं, तो यहाँ पर जैसा कि प्रचलित है कि चरवाहे चलते रहते हैं पहाड़ों में अपनी भेड़े लेकर के, तो चरवाहे अपना भेड़ लेके जा रहे हैं। यहाँ से निकलते ही ये मिल गए हमें वहीं पर, और देखो ये टाटा कर रहा है चरवाहा। और इस प्रकार से जो है हम यहाँ नुब्रा वैली से अब चल दिए, और रास्ते में जो और भी नज़ारे आए, और हमारे जो स्कूल के साथी हैं श्री मनीष कुमार जो पहले यहाँ केंद्रीय विद्यालय में 2 साल तक पढ़ा चुके हैं 2007 से 2009 तक, वो एक बार पुनः दिखा रहे हैं कि स्कूल देखो जहाँ मैं पढ़ाता था, आ रहे थे तभी उन्होंने दिखाया था और जा रहे हैं तभी। ये तीर का निशान से आप देखेंगे कि उनका स्कूल कौन सा है जहाँ वो पढ़ाते थे, और अब उसको देख करके पुनः उनको वो दोबारा याद आ गया। और देखो ये तीर का निशान है, स्कूल दिखाई दे रहा है, तो यही इनका स्कूल है। तो इस प्रकार हम आगे अब पेंगोंग लेक का आज का कार्यक्रम है तो उधर ही जा रहे हैं। इसी को दर्रा कहा जाता है, जो पहाड़ों के बीच में जो रास्ते जाते हैं उसको पहाड़ काट के बनाए, हाँ हिंदी में दर्रा बोला जाता है, वो यही चीज है पासेस दर्रा। देखो 108 की फिर वही नदी आ गई, कौन सी नदी है सर? साहिब नदी। यहाँ फिर आ गई इधर से, अब देखो हम दूसरी साइड आ गए, इसका फ्लो इधर हो गया है ना, अभी तक इधर था। ये देखिए ऊपर पहाड़ और नीचे से रास्ता काट के निकाल दिया गया। ये देखो केव है यहाँ पर, गुफा है। ये कोई टॉप भी आएगा यहाँ पे अभी इस रास्ते पे? नहीं, ऐसी रहेगा ये रोड, तो इस पे तो मैं चला सकता हूँ अगर खरदुंगला पे दिक्कत हो तो। अगर अपनी तो गाइस ये यहाँ पर हम लोग पेंगोंग से पहले रुके हुए हैं, तो यहाँ ये पेंगोंग लेक से पहले द्रुबुक गांव है जो कि आखिरी गांव, इसके बाद कोई गांव नहीं दिखाई पड़ेगा जो 50-100 किलोमीटर तक, और फिर हम पेंगोंग लेक पहुंचेंगे। तो यहां पर हम लोग चाय और जिसको जो खाना है वो चीज़ खा रहा है, देखो कोई चाओ मीन खा रहा है और कोई फ्राइड राइस, तो देख रहे हैं इस तरह से हम लोग इस आखिरी गांव में, जो बॉर्डर के आखिरी गांव में हम लोग आनंद ले रहे हैं खाने पीने का। और इसके बाद जो है सीधे अब पेंगोंग लेक चलेंगे, और जो कि यहाँ से 50-100 किलोमीटर दूर है, और सब लोग अपनी अपनी मर्जी का खाना यहाँ खा रहे हैं और मैं तो केवल चाय पी रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है उबड़ खाबड़ या ऊपर नीचे घुमावदार, तो यहाँ पर ज़्यादा खाना खाना अच्छा नहीं, क्योंकि इसमें चक्कर आ जाते हैं, उल्टी भी आ जाती है, तो हमने तो केवल चाय ही पी। यहाँ वाली सही है,
और अभी थोड़ी देर में यहाँ का जो मेन है वेस्ट उसका भी आने वाला है। यहाँ भी डूबा था हाँ, पर्वत श्रेणी पीर पंजाल की पर्वत श्रेणियाँ और अब पैंगोंग झील आने वाली है। जाएगी पैंगोंग झील है और देखो ये जिसका इंतजार था। ओह माय गॉड, पूरा समुंदर जैसे